लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों का आंकड़ा दिखा देते हैं कि यहां पर एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि बड़ा उलटफेर यहां पर भी होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, सोनीपत लोकसभा सीट से भी आती दिखाई दी, वोटिंग परसेंटेज भी यहां पर बेहतर होता दिखाई दिया। अगर हम देखते हैं एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, वो देखें क्या इशारा कर रहे हैं। बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटें महज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस खाते में 6 से 7 सीटें यहां पर इस इलाके में सोनीपत लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों पर जाती दिखाई दे रही हैं। इनेलो बीएसपी के खाते में कुछ नहीं है, हाथ कुछ लगा नहीं, और जेजेपी और एएसपी का खाता भी खाली दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी यहां कुछ नहीं मिल रहा। और बात अगर अदर्स की करें तो 0 से 1 सीट यहां पर अदर्स के खाते में जा सकती है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात हो रही है, 9 विधानसभा सीटें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर बीजेपी 1 से 2, कांग्रेस 6 से 7 सीटें ला सकती है। हालांकि चुनावी फैसले का इंतजार है 8 तारीख को, और इनेलो बीएसपी का गठबंधन का कोई रंग यहां पर नहीं दिखा पाया। जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन किया, कुछ मिला नहीं। आम आदमी पार्टी का खाता भी खाली रहा है, और अदर्स को उम्मीद ये कि 0 से 1 वो एक सीट यहां पर मिल सकती है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 35.41% वोट यहां पर पड़ा, लोगों ने पसंद किया इतने लोगों ने, और कांग्रेस को देखिए 46.58% इस इलाके के वोटर्स ने पसंद किया है। इनेलो बीएसपी को महज 1.49% वोट पड़े हैं। जेजेपी और एएसपी गठबंधन 0.45% वोट हासिल कर पाया। आम आदमी पार्टी 1.19% वोट यहां हासिल कर पाई है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है, अदर्स के खाते में 14.88% मतदान लोगों ने किया है। मेष चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, सोनीपत लोकसभा सीट जल्दी से बताइएगा क्या वजह रही कि एक बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा गैप बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिला। क्या कांग्रेस के गढ़ के हिसाब से इसे देखा जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे के हिसाब से इसे देखा जाए, या फिर कुछ और वजह? एनटीपी कांग्रेस एक फैक्टर था, 90 सीटों पर है, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, यहाँ जो है एक ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतारने का काम किया, और जाट वोटर्स ने गारंटी के साथ वोट डालने का काम किया। सोशल इंजीनियरिंग जो यहाँ पर की गई, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ते हुए नजर आए। और यहाँ ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जो जातिगत इक्वेशंस हैं वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए फेवरेबल साबित हो रही हैं। 1 से 2 सीटों का जिक्र हो रहा है। सोनीपत लोकसभा सीट पर मुझे लगता है कि जींद विधानसभा क्षेत्र ही एक पॉजिटिव सीट यहां पर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अदरवाइज यहां पर कांग्रेस पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग का फायदा मिल रहा है, हुड्डा परिवार के लगातार नजदीक होने का इस इलाके को फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो एक क्लीन स्वीप वाली जो स्थिति है वो यहां पर देखने को मिल रही है। अगर 6 से 7 सीट हम 9 में से कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और 1 से 2 सीट महज भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है, तो फिर हुड्डा का जादू इस इलाके पर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, ये कहा जा सकता है। जी देवेंद्र, आधे आधे वोटर्स ने समर्थन यहां पर कांग्रेस का किया है, 46.58% लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया है, जिसके बलबूते 6 से 7 सीटें कांग्रेस की आ सकती है। एग्जिट पोल करें, देखिए पंकज, 11% वोट का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिलते लग रहे हैं, और 11% एक बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात पंकज, एक इंटरेस्टिंग बताता आपको बताता हूँ सोनीपत को लेकर। अभी जब टिकटे पार्टी के विधानसभा की, तो जो शैलजा समर्थक नेता है पानीपत के आसपास के, वो मेरे को कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा से सोनीपत के जाट जो है नाराज हो गए हैं। सोनीपत के जाट भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे हैं, ये शैलजा समर्थक आरोप लगा रहे थे। लेकिन ये जो ये एग्जिट पोल आ रहा है सामने, इससे तो ये लग रहा है कि जाट खुश है भूपेंद्र हुड्डा से, नाराज नहीं है। वो शैलजा समर्थक जो कह रहे थे ऐसा नहीं है, 11% वोट भी बढ़ रहा है और सीटें 6 से 7, मतलब 80% स्कोर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। जी वीरेंद्र, 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस ने जीती थी 2019 में, बीजेपी के बाद 2 थी। अब भी बीजेपी मतलब बढ़त की बजाय कमजोर होती नजर आ रही है सोनीपत में। भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की ताकत सामने खड़ी है। जी वीरेंद्र जी, कोई भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर इतना बड़ा अंतर हो, इतना सुपड़ा साफ होता बीजेपी का दिखाई दिया, और सोनीपत में ऐसा क्या हो गया आपके नजरिए से?
देखिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का ये निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कुछ टिकटों का वितरण में भी भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। देखिए सोनीपत के कार्यकर्ता तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस तरह वहाँ टिकट का वितरण हुआ और ये दिखाई भी दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और देश वाले बेल्ट में अपनी सेंध नहीं लगा पाई, अपना जो जो प्रभाव दिखाना पाना था वो नहीं दिखा पाई, और अपना जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपना गढ़ सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद तो यहाँ से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव जिता दिया और विधानसभा चुनाव में भी वो अपना गढ़ को जो है अवैध रखे हुए हैं जी।